नमस्कार, वेलकम टू मीनाक्षी किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ कंडेंस मिल्क, जिसे आप मिल्कमेड के नाम से भी जानते हैं। तो इसे हम किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, लड्डू बनाने के लिए, खीर के लिए, केक में डालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको हम। तो इसे हम आज घर पर ही बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से बन जाएगा ये। तो उसके लिए मैंने लिया है आधा किलो दूध, आधा कप चीनी, एक चुटकी बेकिंग सोडा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मोटे तले वाला पैन लेंगे, इसमें दूध डालकर इसको बॉईल कर लेंगे। एक बॉईल आने पर इसमें चीनी और बेकिंग सोडा मिला देंगे। इसे नीचे से मिक्स करेंगे अच्छे से। बीच बीच में लगातार चलाते रहेंगे इसको और गैस को लो हीट पर ही रखेंगे। हमें दूध आधा होने तक पकाना है, जैसे कि 500 ml दूध है तो 250 ml रह जाए तब तक इसे हम पकाएंगे। ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो रहा है जो हमने चीनी डाली है उसकी वजह से, क्योंकि शुगर कैरमलाइज हो रही है। इसे चेक करने के लिए कि ये बन गया है या नहीं, एक बोल में निकाल लेंगे, ठंडा होने पर देखेंगे। देखिए गाढ़ा हो गया है ये ठंडा होने पर, फिंगर्स पर भी टच करके देख सकते हैं आप, जिस तरह से चाशनी को देखते हैं तो ये चिपचिपा लग रहा है। तैयार हो गया है ये, गैस को हम बंद कर देंगे। ठंडा होने पर इसे हम एक एयर टाइट जार में डालकर फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा।